बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले करो बच्चों इस पूरे फंक्शन को क्या ले लो, लेट आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, अब फिर से प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों, तो मैं लिखूंगा बाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों जब प्रॉपर्टी लगेगी तो हम आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, ए माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट 1 माइनस इस एक्स की वैल्यू भी क्या पुट करोगे, 1 माइनस एक्स, फिर इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके पावर एन डी एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको आगे को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 0 से 1 तो ऐसे लिखो, 1 माइनस एक्स को ब्रैकेट में ऐसे लिखो। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों अगले ब्रैकेट को 1 माइनस 1 प्लस एक्स इस पूरे की पावर एन फिर बाद में डी एक्स। अब बच्चों 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आई इक्वस टू 0 से 1 ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा बच्चों, एक्स की पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एन को बच्चों जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन को बच्चों एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बच्चों डी एक्स। समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लो, यानी कि आई इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज और लिमिट 0 से 1। इतना समझ आया? अब बच्चों क्या करेंगे, सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 की पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस ब्रैकेट 0 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 0 की पावर n+2 अपॉन n+2। इतना समझ में आया बच्चों? मैंने कुछ नहीं करा, एक्स की वैल्यू एक बार अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस एक्स की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट पुट करी। अब देखना बच्चों 1 की पावर कुछ भी पुट करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन n+1 को ऐसे लिखो, माइनस यहां पे 1 की पावर कुछ भी पुट करो बच्चों 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन n+2 को भी ऐसे लिखो माइनस, ये बच्चों 0 अपॉन समथिंग है, ये भी 0 अपॉन समथिंग है, यानी कि ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई इक्वल टू इसको एलसीएम लेना पहले, n+1 n+2, तो n+2 माइनस n+1 इस पूरे को ब्रैकेट में, तो यानी कि n+2 माइनस n-1 अपॉन n+1 n+2। बच्चों ये एन और ये एन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा 2 से 1 जाएगा कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन n+1 n+2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों एक्सरसाइज की लास्ट में इसका एक बार आंसर चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, 1 अपॉन n+1 n+2। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x dx। सबसे पहले बच्चों एक स्टेप जो बेसिक है, इस पूरे इंटीग्रेशन को आई लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट आई इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 1 प्लस
एन एक्स डी एक्स। अब फिर से बच्चों प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, आई इक्वल्स टू, सॉरी प्रॉपर्टी कौन सी लेगी बच्चों, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, जीरो से ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, जीरो से ए इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई फोर इंटीग्रेशन, ऐसे लिखो लॉग वन प्लस टेन, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों, पाई बाई फोर माइनस एक्स, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करके क्या लिखोगे बच्चों, डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बच्चों सोच समझ के मारना, मैंने शायद गलत लगा दिए, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा है तो वो यहाँ पर को क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर लॉग ब्रैकेट वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, समझ में आया, और बाद में डी एक्स, समझ में आया बच्चों। इस वन को ऐसे लिखा, इस प्लस को भी ऐसे लिखा, और इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया टेन ए माइनस टेन बी से, टेन ए माइनस बी से, सॉरी यहां टेन ए माइनस बी से। तो बच्चों हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर लॉग, बच्चों वन को तो ऐसे लिखो प्लस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन माइनस टेन एक्स को बच्चों ऐसे लिखो अपॉन वन को बच्चों ऐसे रहने दो प्लस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन और टेन एक्स को बच्चों कितना आएगा टेन एक्स, फिर इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके डी एक्स, समझ में आया, सिर्फ टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या पुट कर दी वन। अब बच्चों इसके बाद इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर तो ऐसे लिखो लॉग, यहां पर बच्चों एलसीएम ले लो, यानी कि वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से डी एक्स। अब बच्चों टेन एक्स से टेन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर लॉग, बच्चों वन पे वन ऐड करो कितना आएगा टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके डी एक्स। अब बच्चों ये जो सबसे पहली इक्वेशन थी जिसको हमने आई लेट करा था, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, और बाद में प्रॉपर्टी लगा के ये जो दूसरी इक्वेशन आई है आई की, इसको ले लो इक्वेशन सेकेंड, समझ में आया, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों आई पे जब आई ऐड करोगे कितना आएगा टू आई, और इधर जब ऐड करोगे इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर को पहले कॉमन ले लो, ठीक है बाहर, यानी कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर को मैंने एक साथ बाहर ले लिया, और अंदर क्या लिखूंगा लॉग वन प्लस टेन एक्स प्लस लॉग टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स, इस पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज करके डी एक्स। इतना समझ में आया, अब इससे प्रॉपर्टी लगाओ लॉग ए प्लस लॉग बी की, तो 2i को तो पहले ऐसे लिखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या आएगा लॉग ए बी, यानी कि लॉग 1 प्लस टेन एक्स इंटू टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स, और बाद में डी एक्स। इतना समझ में आया बच्चों, अब 1 प्लस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स पूरा क्या हो जाएगा कैंसल,
टू आई इक्व टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 डी एक्स। अब बच्चों लॉग 2 तो एक कांस्टेंट होगा तो उसे तो हम बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेट किसे करेंगे, 0 से पाई बाय 4 1 डी एक्स को। ठीक है, तो बच्चों 2y तो ऐसे रहेगा लॉग 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों x, और लिमिट क्या लेंगे 0 से पाई बाय 4, तो बच्चों log 2 तो ऐसे रहेगा, x क्यों लिख आउट करोगे बच्चों पाई बाय 4, फिर a बार x क्यों लिख आउट करोगे 0, सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यानी कि 2y इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों log 2 पाई बाय 4। अब इस 2 को नीचे ले जा लो तो बच्चों i की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 8 log 2। ये आया क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। पाई बाय 8 log 2। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 था इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस x dx। ठीक है बच्चों, इसमें भी सबसे पहले क्या लगेगी प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी कौन सी बच्चों, 0 से a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 0 से 2 x की ओपे क्या पुट करोगे 2 माइनस एक्स, समझ में आया, अंडर रूट इस 2 को ऐसे लिखो माइनस भी ऐसे लिखो, लेकिन इस x की ओपे क्या पुट कर दो 2 माइनस एक्स, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से dx, और इस पूरे इंटीग्रेशन को आइलेट कर लो, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अब बच्चों इंटीग्रेशन 0 से 2 तो ऐसे लिखो, 2 माइनस एक्स को भी ऐसे लिखो, और इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस एक्स, ये क्या आएगा बच्चों x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 2 तो ऐसे लिखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2x की पावर 1 बाई 2 माइनस x की पावर 3 बाई 2, इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके dx, समझ में आया, x की पावर 1 बाई 2 से एक बार मल्टीप्लाई करा, x की पावर 1 बाई 2 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करा। तो बच्चों i इक्वल्स टू 0 से 2 2, एक काम करते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक दो स्टेप स्किप कर लेते हैं। बच्चों 2 को तो ऐसे रखो, x की पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस x की पावर बच्चों 3 बाई 2, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, इस पूरे की लिमिट क्या कर दो 0 से 2। ठीक है, अब बच्चों i इक्वल्स टू इसको जब घुमा के लिखोगे क्या आएगा 4 बाई 3, क्योंकि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या लिखोगे x की पावर 3 बाई 2 माइनस, इसको भी घुमा के लिखोगे तो क्या आएगा बच्चों 2 बाई 5 x की पावर 5 बाई 2, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके इसकी लिमिट कितनी आएगी 0 से 2। एक बार बच्चों अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 4 बाई 3 2 की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 5 2 की पावर 5 बाई 2, इस पूरे को बच्चों एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में बच्चों x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0, तो जब 0 पुट करोगे ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 0 माइनस 0 लिख दिया। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसमें से कॉमन पार्ट ले लेते हैं, देखो 2 की पावर 3 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 3 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 4 अपॉन 3 माइनस
टू इंटू कितना आएगा बच्चों, 3/2 अगर बाहर बच जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 8/2 बचेगा अपॉन 5। समझ में आया, ये 2 तो ऐसे रहा लेकिन ये 2 की पावर 5/2 है, 2 की पावर 5/2 मतलब 3/2 + 1, 3/2 बाहर रह जाएगा तो अंदर क्या आएगा, सिर्फ 2। तो बच्चों 2 की पावर 3/2 को तो ऐसे लिखो 4/3 - 4/5। अब इसको बच्चों एलसीएम ले लो, यानी 2 की पावर 3/2, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 15, 5 4 = 20 - 4 3 = 12। तो कितना है बच्चों 2 की पावर 3/2, 8/15। और 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, 2√2, और 8/15 को ऐसे लिखो, तो बच्चों 8/2 जा कितना आएगा 16, √2 ऐसे रहेगा अपॉन क्या आएगा 15। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 16 √2 अपॉन 15।